Hello everyone, in this video I am going to cover Math Prime class 8, chapter number 2 workout. So, actually, most of the students uh, always demand that just make the video of workout. So, now I am going to make the video of workout chapter 2 and the complete workout we are going to discuss. Maybe video should be a little bit lengthy. So, just stay. And you could will find your all the solutions. And if you think that that video is helpful for you, please hit the like button, subscribe to my channel because your one likes always motivates me to make more videos. So without further delay, let's get started. The first question, what is the first question is trying to say? A there is a actually uh, in my pdf numbers are not written but i am going to tell you because i have opened my book as well so uh, I'm, i will tell you that which question is this so this is the first question the first question is saying so we choose the correct option so a number 1 is 2 upon 3 ki power minus 2 divided by 3 3.2 ka power minus 2 is equal to मतलब क्या बोल रहा है कि ये नंबर जो है टू पॉइंट थ्री का पावर माइनस टू है डिवाइड बाय थ्री पॉइंट टू का पावर माइनस टू है ये किसके इक्वल टू है ठीक है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और किस कैसे हम अब इसका इक्वल टू ले आएंगे ठीक है ना पहले तो सबसे पहली बात हमको क्या है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा ये देखो यहाँ पे हमने उसको लिखा है जो अपॉन में है तो उसको सीधी सी बात उसको अपॉन में रखेंगे जब अपॉन में रखेंगे आप देखो ये माइनस है अब जब क्या होता है कि माइन दो नंबर का दो बार किसी चीज़ का स्क्वायर होता है तो माइनस ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाता है आपको ये पता है प्रीवियस क्लासेस में मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं चैप्टर टू पे कि माइनस कैसे वर्क करता है वही चीज़ मुझे बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि चैप्टर टू के जितने भी वीडियोज़ हैं सब में आपको मैंने प्लस प्लस माइनस का नॉलेज दिया है ठीक है ना तो आप देखो जैसे पहला वाला यहाँ पर देखो जहाँ पर मैं ब्लिंक कर रहा हूँ तो आप देखो टू अप है तो ये कितना हो जाएगा आप देखो टू टू जब फोर हो जाएगा ठीक है और आप एक तरीका और कर सकते हो जैसे नंबर को आप माइनस पे हटाना चाहते हो तो क्या करो अगर टू अपॉइंट थ्री है तो उसको पलट के क्या कर दो थ्री पॉइंट टू कर दो ठीक है जैसे थ्री अपॉइंट टू कर दोगे जैसे उसको नंबर को चेंज कर दोगे तो माइनस ऑटोमेटिक क्या हो जाता है उसका रिड्यूस हो जाता है हट जाता है यहीं पर हमने इसको यही किया है कि क्या किया है माइनस कैसे रिड्यूस किया है जो टू अपॉइंट थ्री है उसको हमने चेंज कर दिया पलट कर दिया किसने थ्री अपॉइंट टू पर और जो हमारा नीचे वाला कितना है थ्री अपॉइंट टू है उसको हमने किस पे कन्वर्ट कर देंगे नीचे वाले को भी चेंज कर देंगे ठीक है तो अब आप चेंज चेक कर लेते हैं चलिए ये कितना हो गया हमारा देखो ये हो गया थ्री थ्री ज़र नाइन नीचे वाला चेंज करने की जरूरत नहीं वो पहले से अपॉन में है ठीक है तो वो चेंज हो जाता है अब देखो आपका ये कितना हो गया यहाँ पे देखो टू अपॉन थ्री है ये हो जाएगा जब चेंज होगा तो टू टूजा थ्री थ्री जो नाइन हो जाएगा और टू टू, टू ज़ा फोर हो जाएगा और नीचे वाला तो अभी भी माइनस में उसको तो अभी हमने चेंज ही नहीं किया ठीक है ना अब देखो उसको चेंज करते हैं चलो उसको भी चेंज करते हैं जैसे ये मैंने बताया ना नीचे वाले को कैसे अपॉन में बदलते हैं अगर नीचे वाले को थ्री ओ टू जो है ना थ्री ओ टू को हम क्या कर देंगे टू अपॉन थ्री का पावर टू कर देंगे तो देखो टू टू जो फोर हो गया और ये अपॉन में कितना आ गया थ्री थ्री जो नाइन ना आ गया सेम क्वेश्चन आ गया अब देखो इसको जब हम डिवाइड करेंगे या क्रॉस करेंगे तो हमारा ही कितना हो जाएगा देखो जो नीचे वाला होता है सबसे नीचे वाला वो ऊपर जाके मल्टीप्लीकेशन में हो जाता है और नीचे वाले फोर का फोर से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और नाइन से नाइन का मल्टीप्लीकेशन होगा तो हमारा कितना हो जाएगा एट्टी वन अपॉइन सिक्सटीन अगर आपको तो नहीं समझ में आया मैं देखो क्या कर रहा हूँ इस क्वेश्चन पर आप देखो जैसे हमारा क्वेश्चन क्या था कितना है माइनस में माइनस में जो नंबर गिवन है अगर हमको उसका जैसे मान लो स्क्वायर में माइनस गिवन है उसको अपने को माइनस हटाना है तो अपन क्या कर सकते हैं उसका माइनस ऐसे हटा सकते हैं जैसे टू अपॉन्ट थ्री है तो इसको अगर हम थ्री अपॉन्ट टू कर देंगे तो ये स्क्वायर बस आ जाएगा इसका टू को जो माइनस है वो ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर टू को देखते हैं ये हमारा सोलूशन आ चुका है क्वेश्चन नंबर टू हमारा क्या है थ्री पॉइंट फोर मल्टीप्लाइड थ्री पॉइंट फोर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड डिवाइडेड बाय थ्री पॉइंट फोर की पावर फोर आप चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर टू जो आपका है आप अपनी बुक ओपन करेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर टू पे आपका बी नंबर पे यह गिवेन है ठीक है ना तो इसमें भी आपको सॉल्व करके बताना है कि किसके इक्वल टू है ठीक है चलिए देख लेते हैं इसको भी देख लेते हैं सबसे पहले तो अपने को क्या करना पड़ेगा जो डिवाइड वाले नंबर उनको चेंज करना पड़ेगा कैसे चेंज करेंगे देखिए ट्वेंटी सेवन अपॉइंट सिक्सटी फोर मेरा कैसे है आपको इसको देखना पड़ेगा ठीक है पहले तो आप क्या करिए कि ये जो स्क्वायर वाला नंबर है जैसे ये स्क्वायर है ना तो इसको आप खत्म कर लीजिए स्क्वायर को आपने खत्म किया तो कितना आ गया थ्री थ्री जहाँ नाइन अब फोर फोर जहाँ सिक्सटीन आ गया अब ये बोलो थ्री पॉइंट फोर से उसको मल्टीप्लाई भी करना है जब थ्री पॉइंट फोर से उसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बताओ नाइन थ्री जहा कितना हो गया ये देखो यहाँ पर जो आंसर दिखा रहा था नाइन थ्री जहा हो गया कितना ट्वेंटी सेवन और फोर तो वहाँ पे सिक्सटीन था सिक्सटीन फोर कितना हो गया सिक्सटी फोर हो गया इसी तरीके से बगल वाले को भी चेंज करेंगे तो थ्री का फोर टाइम हम कर देंगे तो, तो हमको पता है कि थ्री का फोर टाइम थ्री का अगर जा थ्री थ्री जहाँ नाइन होता है थ्री थ्री फिर थ्री से फिर मल्टी नाइन थ्री जहाँ फिर, फिर, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइन थ्री जब फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा नाइन थ्री फिर से मल्टीप्लाई करने पे ट्वेंटी सेवन आ जाएगा ट्वेंटी सेवन थ्री जा एटी वन ये हमारा क्लियर हो गया ऐसे फोर का हो जाएगा तो फोर का होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा टू फिफ्टी सिक्स आ जाएगा जब इन दोनों को फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर ले जाएंगे और नीचे वाले को ले जाएंगे और काटेंगे उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर फोर अपॉन्ट थ्री देखिए कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा गाइस क्योंकि वीडियो लंबी लंबी हो जाएगी और मुझे सारे क्वेश्चन इसके जितने भी हैं वर्कआउट के सारे के सारे कवर करने इसलिए कैलकुलेशन मैंने आपके लिए छोड़ रखा है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा वाला ये हमारा क्वेश्चन है सी नंबर वाला सी नंबर वाला क्वेश्चन आप देखोगे तो क्या है हमारा सी नंबर क्वेश्चन थ्री पॉइंट फोर की पावर माइनस थ्री और मल्टीप्लाइड थ्री पॉइंट फोर पावर फोर एक्स इक्ल टू थ्री पॉइंट फोर का पावर फाइव uh, ठीक है अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देख लेते हैं सीधी सी बात हमको x की वैल्यू निकालनी है हमको नंबर तीनों में सेम है तो हमको नंबर से लेना देना नहीं है तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे आप देखो 4x एक्स माइनस थ्री इक्वल टू फाइव रखेंगे ठीक है ना और जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस थ्री कहाँ जाएगा इधर आ जाएगा माइनस थ्री जब इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस थ्री इधर आया तो प्लस में हो गया तो फाइव प्लस थ्री कितना हो गया हमारा एट हो गया तो एक्स इक्वल आप बताओ फोर से डिवाइड करेंगे एट को तो कितना आ जाएगा इस इक्वल टू टू आ जाएगा हमारा एक्जैक्टली आंसर आ गया इतना लेंदी अपने को जाने की जरूरत ही नहीं ठीक है ना आप अगर आपको वहाँ पर समझ में नहीं आया तो आप देखो यहाँ पे मैंने एक लिख के भी सोलूशन आपको दे रखा है तो आप लिखने वाला सोल्यूसन देखोगे तो माइनस थ्री प्लस फोर एक्स इक्वल टू फाइव है तो माइनस थ्री उधर चला गया तो फाइव प्लस थ्री हो गया कितना एट फोर एक्स इक्वल टू कितना हो गया एट अपॉइन टू सॉरी एट अपॉइंट फोर तो x इक्वल टू कितना आ गया टू आ गया हमारा आंसर आ गया ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है क्लास एक मिनट मुझे ओपन कर लेने दीजिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि देखो थ्री एक्स की पावर कितना है टू एक्स माइनस वन है ठीक है इक्वल टू माइनस थ्री थ्री एक्स की पावर टू एक्स माइनस वन है और माइनस फाइव है डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू इलेवन देन वैल्यू ऑफ एक्स अब आप अपने को एक्स की वैल्यू बतानी है चलिए देखिए कैसे एक्स की वैल्यू निकालेंगे आप यहाँ पर देख लो एक मिनट मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ हाँ अपना वैल्यू यहीं से देखो अब हमको क्या करना है सीधी सी बात उठा लेना है थ्री एक्स की पावर टू एक्स माइनस वन माइनस फाइव अपऑन टू इक्वल टू इलेवन यही फार्मूला बनेगा ना अब देखो टू जो इधर डाउन में था अपॉन में था उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इक्वल टू को इस बार तो उधर गया तो मल्टीप्लीकेशन हो गया यहाँ पर कितना आ गया देखो ये आ गया हमारा थ्री टू एक्स की टू एक्स माइनस वन थ्री एक्स की पावर टू एक्स माइनस वन माइनस फाइव इक्वल टू इलेवन मल्टीप्लाई टू अब इलेवन मल्टीप्लाई टू हुआ तो हमारा ट्वेंटी टू आ गया अब माइनस फाइव कहाँ इधर है जो ये वाला माइनस फाइव है ये उधर चला जाएगा तो प्लस फाइव हो जाएगा ट्वेंटी टू प्लस फाइव कितना हो गया ट्वेंटी सेवन हो गया अब ये देखो थ्री एक्स की पावर कितना आ गया और ट्वेंटी सेवन को अगर पावर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आप देखो ट्वेंटी सेवन को जैसे हम पावर में कन्वर्ट करेंगे तो थ्री थ्री जा नाइन नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन अब हमारा यहाँ पे क्या आ गया बेस फार्मूला बन गया अब हमको थ्री से कोई लेना देना नहीं क्योंकि थ्री हमारा दोनों साइड इक्वल हो चुका है उससे लेने देने लेना देने किससे है 2x minus 1 equal to 3 तो 2x equal to 3 plus 1 राइट right? तो कितना हो गया x equal to 4 upon 2 तो इक्वल टू में कितना आ गया हमारा 2 आ गया ठीक है समझ में आया आपको क्लास नहीं समझ में आया को तो एक बार वीडियो रिवाइज करके देख लीजिएगा आपको सल्यूशन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये डायरेक्टली मैंने इसको चेंज कर रखा है देखो ये अगर आ, ए टेन की पावर एट कर दोगे और मल्टीप्लाई फाइव कर दोगे तो आपका डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा ठीक है ना यही आपका आंसर होगा चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना क्वेश्चन नंबर टू है